ईद का त्योहार था और मुंबई में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने इस अंदाज में त्योहार को मनाया। व्हाइट टी शर्ट और चश्मा लगाए हुए आमिर ऐसे दिखाई दे रहे थे। ईद के दिन की शुरुआत आमिर ने किस तरह से की, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और देश भर में सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि ये दिन हम सब खुश रहें और ये साल हमारा अच्छा बीते। बचपन की ईद की यादों को भी आमिर ने हमसे शेयर किया। जब मैं छोटा था तब तो हमें ईदी में बड़ी इंटरेस्ट थी, ईद से ज़्यादा हमको ईदी में इंटरेस्ट थी, लेकिन अब मुझे ईदी देनी पड़ती है। इस पूरी बातचीत के दौरान आमिर खान ने फिल्म सुल्तान की तहे दिल से तारीफ भी की। सुल्तान मैंने कल देखी और मुझे इतनी पसंद आई, बेहद पसंद आई। मतलब कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, हर आर्टिस्ट का जो परफॉर्मेंस है, सलमान ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया है, अनुष्का ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया, हर एक आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया है। और फैंस का दिल रखने के लिए सलमान हर साल की तरह इस साल भी इस अंदाज में बाहर आए और लोगों का अभिवादन किया। सलमान ने सलाम भी किया। वेल, फिल्म सुल्तान की बम्पर ओपनिंग तो लग चुकी है, देखना यह खास होगा कि सलमान खान की ये फिल्म वीकेंड में कितना बड़ा कारोबार कर जाती है। मुंबई के बैंड्रा के इलाके में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भी ईद की धूमधाम दिखी। एक तरफ जहां फैंस शाहरुख खान के घर के बाहर इस तादाद में दिखाई दे रहे थे, वहीं शाहरुख ने एंट्री मारकर उनको ग्रीट किया। फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए शाहरुख ने ईद की यादें हमसे शेयर की। हमारे घर में तो सारे के सारे त्योहार मनाए जाते, सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर टेकन एज अ मोमेंट कि सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें या दुआ करें, या कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं कि कोई स्पेशल खाना हो, बट बियॉन्ड दैट और कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक ये जितनी भी फेस्टिविटीज हैं या फेस्टिवल्स हैं या रिलीजियस डेज हैं, जो भी है, चाहे दिवाली है या ईद है, आई थिंक ये इसलिए होता है कि सब लोग उस दिन को खुशी से मनाएं और साथ में वो खुशी खाते हैं। शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन के बारे में भी ये बात बताई कि वो उन्हें आजकल फिल्में दिखाते हैं। मैं उसको इस वक्त फिल्में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है। सो मैं उसको बहुत, मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का, कुछ आई थिंक का क्लासिक्स जैसे अनटचेबल्स, गुड फेलोज, देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन, माइकल डगलस। तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेजी फिल्मों का ही देता है, एंड आई एम श्योर हिंदी की जो फिल्में हैं वो भी मैंने क्लासिक एक लिस्ट बनाई है, जाने भी दो यारो, शोले देख चुके हैं वो, एंड दो आंखें बारह हाथ, देवदास, चाहे वो मेरी वाली हो या दिलीप सर वाली, बट आई वॉन्ट देम टू सी फिल्म। बाकी उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मुझको नहीं मालूम है, मैं इतना डिस्कस नहीं किया, बट वो सारी फिल्में देखते हैं जब हिंदी की फिल्में आते हैं, देखते हैं लाइक एवरीवन। वेल, जुलाई का महीना है और देखा जाए तो इस साल अब शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। हम तो बस यही कहेंगे, ईद मुबारक शाहरुख खान, अगले साल फिर मिलेंगे।